दिखाओ तो। मैंने कब हाथ लगाया तुम्हें? तू झूठ बोल रही हो तुम? तू मैं से बात नहीं क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ पर? ए मिला नहीं क्या तुझे समझ से? चलो चलो यहाँ से निकलो सब लोग। शर्म कहीं का इडियट। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं? कौन था वो? कोई लोफर था, तुम टेंशन मत लो। कुछ लगा क्या? शायद सीट पे खटमल ने काट लिया। मैं स्नैक्स लेकर आता हूँ। रहने दो डैडी, वैसे भी फिल्म शुरू होने वाली है, मम्मी वेट कर रही है। तुम्हारी मर्जी। चलो चलते हैं। What the hell? That तारी फालतू नी लाइफ कहीं इंटरेस्टिंग न थी। कन्हैया ग्रीन टी। दो मुझे। अरे के मुझे मारेगा क्या? मतलब दिस इज नॉट हैपनिंग। एक केस नहीं मिला ना तो मैं गॉन केस हो जाऊंगा। अरे वड्डी तेरी प्रॉब्लम क्या है? कोई एक्साइटिंग केस चाहिए जिससे दिमाग की नसें झनझना जाए। अरे यार हार्मोन जंप करने लग गए, 3 हफ्ते हो गए एक भी क्लाइंट नहीं आया। शू करूं? मगज जंग खाने लगा है। कोई मुझे एक कॉम्प्लिकेटेड केस लाके देगा जिसे मैं सॉल्व कर सकूं? अरे हट, कुछ करने को नहीं यहां पे, उस सुई जाऊं। यस डिटेक्टिव। हाँ या प्लीज आइए, कम इन। ए एक कन्हैया। अरे क्लाइंट आई है। सर मेरे हस्बैंड पिछले हाँ जानता हूँ 3 दिनों से गायब है। हाँ? तुम दोनों रीडिंग के लिए एक ही चश्मा यूज करते हो, 5 सालों से उसी चश्मे को घिस रहे हो। डंडी टूट गई तो रबर से जोड़ रखी है। हस्बैंड ने ठल्ला है जो घर पे बैठे रहता है और खाना भी वही पकाता है। पुलिस के पास कंप्लेंट नहीं लिखवाई क्योंकि रिश्तेदार और पड़ोसी हंसी उड़ाएंगे। कल के न्यूज़पेपर में मेरा ऐड देखा इसीलिए आज यहाँ आई हो। वो चाइनीज पीस है, उसकी जुड़ी तुम्हारे साथ ही जमेगी। कल सुबह तक वो पक्का लौट आएगा। दोनों का चश्मा अलग अलग बनवाना। अब तुम जा सकती हो। यस योर डिटेक्टिव कन्हैया का ऑफिसर के। कम इन प्लीज।
भाई अपनी फीस बता। पहले केस बताइए। छोरी गायब है। आपका नाम? मोहन सिंह। आपकी बेटी कितने दिनों से गायब है? समझ ले 11 दिन हो गए। पुलिस ने क्या कहा? वहां जाता तो तेरे पास क्यों आता? एग्जैक्टली कब रियलाइज हुआ कि वो गायब है? कॉलेज गई थी फिर ना लौटी। उसका कोई लफड़ा शपड़ा? वो मैं नहीं जानता। यो 10 लाख का चेक है, वो मिल गई तब इसे अपने खाते में डालना। क्या आपकी बेटी को ड्राइविंग आती है? क्या बोल रहा है? कभी जरूरत ही ना पड़े। उसे कॉलेज छोड़ने कौन जाता था? हमारा ड्राइवर जाता था। था से मतलब? एक नंबर का कमीना था, भाग गया। टोटल कितने ड्राइवर्स हैं? 3 है। फिर भी गाड़ी खुद चलाकर यहाँ आए हो? इस मीटिंग में राज रखना चाहता था। आपको यहाँ का एड्रेस किसने दिया? हमारे मैनेजर ने। मिस्टर माधवन, मैं एक केस में बहुत बिजी हूं, फिलहाल आपका केस नहीं ले पाऊंगा। पच्चीस में तो करोगे ना? सॉरी सर, आप जा सकते हैं। एक कन्हैया। पचास ले ले। नो। अरे तो ब्लैंक चेक ले ले। कर रहा है। जितने पैसे चाहिए खुद ही भर ले, पर बेटी को ले आ मेरी। ए, दिमाग चरिया गया साई। सुबह से केस नहीं था तो कितनी उबल रही थी, और वो 50 लाख के हॉट चेक को फ्रीजर में डाल दिया। नहीं, ऐसा केस नहीं चाहिए। 50 लाख था तो क्या हुआ? तो क्या हुआ बड़ी साई, आजकल शादी से पहले माँ बाप लड़के लड़कियों की जासूसी करवाते हैं, तुझे खबर नहीं है? चुटकी बजाने जितना टाइम लगता केस सॉल्व करने में। ब्लैंक चेक हाथ लगते ही लास वेगास में ब्लाइंड में 3 पत्ती खेलता। नहीं, उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी। बॉडी शक्ल का पापड़ बनाना है, हमको तो केस जरूरी है। नहीं, और लड़की ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है साई? वो मर जाएगी। क्या? अगर वो लड़की घर लौट आई तो वो बुढ़ा उसे अपने हाथों से मार डालेगा। ये तो चरिया गया। उसकी बेटी उसके ड्राइवर के साथ भागी है। तूने गौर किया? चाबियां उसने कितनी नफरत के साथ उठाई। बेटी के गायब होने का उसके चेहरे पर गम नहीं, गुस्सा झलक रहा था। अगर आज मैं उसे ढूंढ लेता तो थोड़े दिनों बाद रेलवे पटरी या गटर के अंदर उसकी लाश पड़ी मिलती, या फिर अपने ही घर में पंखे से लटके मिलती। सुसाइड का लेबल लगा के केस क्लोज्ड। हवे बोल, मुझे ये केस लेना चाहिए? ऑनर किलिंग। एग्जैक्टली, ऑनर किलिंग। किलो 2 का 3, 2 का 3, रस्ते का माल सस्ते में। भाई साहब बहुत सस्ता, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। किलो सॉरी सर। ए, बॉडी सबको प्रेशर लगा है क्या? ब्रिलियंट। ये स्माइलिंग बुद्धा क्यों? जादू देखा। जादू? वो एलियन? 5 सेकंड लेट हो। अरे वो तो 5 साल पहले आई थी। हाथ की सफाई, पॉकेट की धुलाई। अच्छा, वड़ी किसका पॉकेट मारा? तारू पॉकेट। पर्स तो सही सलामत है। पर पैसा गायब। मैं तो नहीं गया। अच्छा, वीकेंड पे मिलते हैं ना? ए, मेरे पास 4,000 थे, 2,000 रह गए। इसे कहते हैं जादू की झप्पी। वड़ी कैसे पॉसिबल है? रिप्ले देखना चाहता है? फोन पर बात करवानी, खोटी एक्टिंग कर। हेलो मैडम, प्रियदर्शन बोल रहा हूँ। आज ही मुंबई पहुंचा हूँ, काम बढ़िया चल रहा है। अपना जो कंसाइनमेंट था क्लोथ मटेरियल्स का, वो पहुंच गया है। नए डिजाइन का सैंपल दिखाने के लिए मैं खुद ही आ जाऊंगा। अगर नहीं आ पाया तो अपने असिस्टेंट के हाथ भिजवा दूंगा। आप चेक कर लेना और अप्रूव कर लेना। हमारे क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। पहले कभी आपको कंप्लेन आया है? वही तो बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अप्रूव कर दीजिए, बाकी हम ऑर्डर आपको भिजवा देंगे मैडम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं मैडम, बस कंसाइनमेंट पहुंच जाएगा तो फिर। अरे सॉरी सर, सॉरी। कोई बात नहीं है। हाँ, पेमेंट का मैं। Thank you.
हेलो यूरी, कतरीना बनके यहाँ पे लोगों की जेबें काटती हो? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आई एम फ्रॉम इंग्लिश मत झाड़। इंग्लिश बोलने से तेरी असलियत छुपने वाली नहीं है। अपनी आंखों से तेरा खेल देखा है मैंने। टकले के पर्स से कितना पैसा मारा तूने? क्या हुआ दीदी, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं क्या? आ गया ट्रायंगल का तीसरा एंगल। चलो सब लोग पुलिस स्टेशन। नहीं सर, प्लीज सर, आपका पैसा लौटा देती हूँ, हमें माफ कर दो प्लीज। अच्छा मेरे पैसे दे रही हो, बाकियों का क्या? एक सेकंड, तुम्हारा टैलेंट काफी पसंद आया, कल यहाँ आ जाना। ये लो रखो। अरे हरिश्चंद्र की औलाद, कहाँ जा रहा है? ओए खोतिया, एड्रेस देने को वो कतरीना ही मिली। मुझे रोका ना होता तो वो अब तक हवालात में हवा हवाई करती। ओए पुत्र, की होया? मुझे डिटेक्टिव अंकल से मिलना है। हो की गल है, मैनू बता। मैं सिर्फ डिटेक्टिव अंकल से बात करूंगा। क्यों भाई, मैं शक्ल से डिटेक्टिव नहीं दिखता? नहीं, बावर्ची लगती हो तेरी। कपड़ों से प्याज की बदबू आ रही है। और चलो ऊपर, तेनु मिलवाता हूँ डिटेक्टिव से। बैठो। जब पापा के आईपैड पर डिटेक्टिव वर्ड सर्च किया तो कई नाम दिखे होंगे, फिर मेरे पास ही क्यों आए? क्योंकि मैंने बहुत डिटेक्टिव के ऐड देखे, उसमें सब स्टूपिड से पोजेस थे। फिर आपका ऐड देखा जिसमें सिर्फ लिखा था डिटेक्टिव कन्हैया प्रद्युमन। मुझे आप सच्चे लगे इसलिए आपके पास आया। स्कूल बंक करके आए हो? जी हाँ। नाम क्या है? नवीन। Now tell me, नवीन, कल रात क्या हुआ? हमारा घर जुहू में है, बीच के पास एक बड़ा बंगलो है। बीच और बंगलो में कितना डिस्टेंस है? 343 फीट। एक रेस के लिए मैंने और मेरे बहन ने मेजर किया था। कंटिन्यू। हमारे पप्पी का नाम नीमो है। एवरी नाइट 9:30 को उसको सुसु करने के लिए हम गेट खोल देते थे। सुसु करने के बाद 9:40 को वो लौट आता था, पर कल रात वो नहीं लौटा। हो तो मिसिंग डॉगी का केस है? नहीं, डेड डॉगी का। रात 12 बजे तक उसका वेट किया, फिर मम्मी को बताया। मम्मी ने कहा तुम सो जाओ, वो आ जाएगा, पर मैं सो नहीं पाया। मैं उसका वेट करता रहा। जब वो 1 बजे तक नहीं आया तब मैंने मम्मी पापा को उठाया। मेरे पापा उसे ढूंढने बाहर गए। हमारे गेट से 20 फीट की दूरी पर उसकी डेड बॉडी मिली। उस पे टॉर्च मारा तो देखा कि वो खून से भरा था। नीमो की ब्रीड क्या है? पोमेरेनियन। मेरी सिस्टर रात भर रोती रही। मैंने मेरे पेरेंट्स को पुलिस को बुलाने को कहा। 140 को एक कांस्टेबल अंकल घर पर आए। उसने कहा वो बिजी है, एक कुत्ते के पीछे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। Am I right? Yes, sir. उन्होंने कहा अगर हमें एक सेम टू सेम नया डॉगी चाहिए तो वो लाख के देंगे। उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे गार्डन में ही गड्ढा खोद के नीमो को दफना दिया, राइट? यस सर। उसे मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ और मेरे पेरेंट्स आज उसे भुला के एक मैरिज फंक्शन अटेंड करने गए हैं। मेरी सिस्टर अब नीमो को देखने की जिद कर बैठी है। मैंने उसकी बॉडी खोद के निकाली। जिस कपड़े में हमने उसे लिटा था वो पूरा लाल हो गया। मैं नीमो को देखते ही रह गया। जब तक मम्मी पापा नहीं लौटे हम उसे देखते हैं। पापा ने हमें बहुत डांटा। पापा ने नीमो को फिर से उस गड्ढे में डाला और मिट्टी डाल के उस गड्ढे को बंद कर दिया। एक कुत्ते के लिए इतना रोना? वेट। जब मैंने नीमो को अपने हाथों में उठाया तब मुझे उसके खून से भरी हुई बॉडी से ये चीज मिली। अरे कन्हैया, ये तो बुलेट है।
मैंने शर्लॉक होम्स के एपिसोड्स देखे हैं, बट ही इज नॉट रियल। मुझे हर हाल में नीमो के किलर्स को ढूंढना है, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है। प्लीज मेरे लिए उस किलर को ढूंढिए। ये मेरे पॉकेट मनी की सेविंग्स है, 837 रुपीस। इतनी सी फीस में आप नीमो के किलर्स को ढूंढ सकते हैं अंकल? अगर मैंने नीमो के हत्यारे को ढूंढ लिया तो तुम क्या करोगे? मैं उससे पूछूंगा मेरे मासूम से डॉगी ने उसका क्या बिगाड़ा था। मनोहर, इसे बाहर छोड़ाओ और इसका एड्रेस ले लेना। क्या आप मेरा केस लेंगे अंकल? यस। थैंक्स अंकल। अब तुम जाओ। अब पुत्र चल। अब चल। हेलो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, एक सेकंड। जोएल फोन। अच्छा, मैंने जो फिंगरप्रिंट चेक किए थे वो आने के लिए नहीं सर, अभी उसका नहीं है। हेलो, ठीक। और मुझे देखते हैं कौन मेरे जीजा बोल रहे हैं। हां, मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने रिपोर्ट में कम से कम 4 दिन ठीक था। ओके वेट, आता हूं। रिपोर्ट आज शाम तक। देखो कन्हैया, एक बार तुम्हारी मदद की ना, हर दिन आओगे तो कैसे चलेगा? हाँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए आया। अरे भाई, पुलिस वाला हूँ मैं, एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद करना रूल्स के अगेंस्ट है। मैंने भी तो हेल्प की थी। हाँ, एक ही केस में तो की थी, तो क्या हुआ? अगर कमिश्नर को पता चला कि ट्रिपल मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट गलत थी तो अखा डिपार्टमेंट काला पानी में चक्की पीसिंग। मुझसे क्या चाहते हो? इस बुलेट की इंफॉर्मेशन। आ गया रामलाल। It's a 9mm bullet. Glock 19 या 20 से शूट हुई होती तो कुत्ते की बॉडी में नहीं रहती। पर ये तो वहीं से मिला है। Glock से फायर हुई होती तो बुलेट बॉडी की दूसरी तरफ निकल जाती। Glock is very powerful. What, बुलेट डॉगी के टमी से निकला? नहीं, छोकरे ने तो यही। नो चांस। एनालिसिस से पता चला कि बुलेट किसी सख्त चीज से टकरा के आई। टकरा के आई? यस। पहले मेटल या पत्थर से जा टकराई, फिर जब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई तो इसकी स्पीड कम हो गई और ये जाकर उस कुत्ते के पेट में घुस गई। दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। ये लो। बाय जोएल, थैंक्स। चलता हूं। थोड़ा पीछे जा, पाछड़ पाछड़, थोड़ा और पाछड़, थोड़ा लेफ्ट और पीछे, तेरा राइट, ऊपर चढ़। आ गया। एक काम कर, शूट करने वाला पोज दे।
गोली चली तो बुलेट केसिंग मिलनी चाहिए थी नहीं? शायद गोली कहीं और से चली होगी। शांति शांति। अरे बच्चों सबको मिलेगा। एक मिनट देता हूँ। मुझे भी चाहिए। मुझे थोड़ा सा ज्यादा दो ना अंकल, प्लीज अंकल। अंकल देखो मुझे क्या मिला। बच्चों एक मिनट रुको। वड्डी क्या है? ये दांत है। ए मलिका, आज का कलेक्शन किधर है? ए मिस वर्ल्ड, पैसा लाके देना। कान में रुई ठूस रखी है क्या? दिन भर में सिर्फ 2000 है? ना थाला नहीं खुला। कल से तू कोठे पे जाएगी, कम से कम दिन के 10,000 कमा लेगी। मैं नहीं जाऊंगी। क्या बोली तू? तो 10 लाख का कर्जा कौन भरेगा? तेरा बाप, वो तो तेरी माँ के साथ निकल पड़ा ऊपर की सैर करने, और तेरे साथ इन दो पिल्लों को छोड़ गया मेरी छाती पे मूंग दलने। एक तो पुलिस वालों को भी मुझे हफ्ता देना पड़ता है जेब काटने का। दिन भर में 3 बार भैंस की तरह चरती है तू। कल से अगर 5,000 से कम लाई ना तो तुझे घसीट के कोठे पे बिठा दूंगा। क्या? तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। हाँ तो दो। वो नहीं है। हैं? रोकड़ा मेरा है ना, तो लाओ मुझे दो। नहीं मैं उन्हें ही दूंगी। मनोहर उस पॉकेट मार को अंदर आने दे। जाओ। बोलो। तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। तुमने जिस जिस का पॉकेट मारा है सबका पैसा लौटाओगी। छोटी थी तभी माँ बाप दोनों मर गए, किसी मामा या बुआ के साथ रहती हो, सही कहा ना? मामा वो लॉन्ड्री का काम करता है। तुम किसी कस्टमर के कपड़े पहन कर आई हो, मामा एक नंबर का नीच है, तुमसे चोरी करवाता है और खुद दिन भर टल्ली रहता है। आपको ये कैसे पता? पॉकेट मारने के अलावा और कोई काम नहीं सीखा तुमने? उन्होंने कहा चोरी करूं या धंधा, मुझे चोरी करना मंजूर था। मनोहर हाँ बोल। वो राइट वाले ड्रॉअर से एम्प्लॉई एजेंट का कार्ड निकाल। आप है ना, इस आदमी से मिल लेना, काम मिल जाएगा। मामा मुझे और कहीं काम नहीं करने देंगे, बहुत डेंजर है वो। तेरे डेंजर मामा को यहाँ भेज, मैं देख लूंगा। अब तो जा। ए, ऊंट की तरह ऊपर क्या दिख रही है, चल भाग। ए, नाम क्या है तेरा? मल्लिका। मल्लिका, फिर तुझे कभी सड़क पे देखा तेरा गला घोट के उसी जगह तेरी समाधि बना दूंगा। जा वे। वड्डी साईं, उस पॉकेट मार के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। नहीं मेरे पापा भी पॉकेट मार थे। कौन थे? पॉकेट मार थे पापा। मल्लिका वो यही है। दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है। अरे भक्ति, तूने उसकी गर्लफ्रेंड को देखा क्या? बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहती हूँ इनको यहाँ काम करने आए हो या गॉसिप कर रहे? नहीं सर, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। बातें घर पे, अभी फ्री हो ना? ऑनलाइन डेंटल टेक्नोलॉजी पर आर्टिकल्स पढ़ो। कहाँ है वो? कौन सर? चीफ डेंटिस्ट। वो एक्सरे रूम में होंगे। बेसो हुए। हाँ ठीक है। नहीं हाँ, इतना इंतजाम तो करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ऑपरेशन है, क्या करें? एक्सरे रूम कहाँ है? आगे राइट में है। थैंक यू। इसका ऑटो पेंटाग्राम देखने के बाद पता चलता है। जी सर। हाँ सर। हाँ सर, मेरे सामने बैठे सर, उनसे बात करवाता हूँ, फोन देता हूँ। सर डॉक्टर मानिक चंडीयर, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ। कमिश्नर सर,
मैं क्या हेल्प करूं? एक इम्पोर्टेंट केस है डॉक्टर। कल रात सीएम के वाइफ का नेकलेस चोरी हो गया है। चोर का एक टूटा दांत मिला है। हार 20 लाख का है। इसलिए सीएम ने पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने कहा है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो मीडिया को पता चल जाएगा, इसलिए आपके पास भेजा है। मेरा ऑफिसर उस दांत को लेकर आया है, तो मुझे उस दांत के पूरे डिटेल्स चाहिए। बस आप इतना काम कर दीजिए, मैं सीएम के साथ आपकी पर्सनल मीटिंग फिक्स करवाऊंगा। सो काइंड ऑफ यू सर, आप जैसे बोलता है वैसे ही होगा। ऑफिसर को फोन देता हूं। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, मैं यही हूँ। जय हिंद सर। सर ऑफिसर, तुमको वेट करना पड़ेगा। जी सर। इसका अटा पटा लगाने में 2 घंटा लगेगा। प्रतिमा, सारे डॉक्टर्स को बोलो कि लैब में फटाफट आने का। ओके सर। आकांक्षे, सीआईडी एजेंट जेम्स बॉन्ड। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। बैठिए सर। ये लेफ्ट कनाइन टूट है, इसका ब्लड सूख चुका है। इसको टूटे हुए ऑलमोस्ट 24 से 36 आवर्स हो चुका है। ये पेशेंट का ओरिजिनल दांत नहीं है, दिख रहा प्रोस्थेटिक्स है। नकली दांत का बहुत सारा टाइप होता है। ये टाइटेनियम नहीं है, ये जिरकोनियम है। जिरकोनियम का प्रोडक्शन मुंबई और बेंगलोर में ही होता है। मुंबई के विक्रोली में डेंटोटेक नाम की कंपनी है। जब हमने दांत को एग्जामिन किया तो हमें पता चला कि ये 3 महीने पहले विक्टिम के जॉ में इम्प्लांट किया गया था। जब हमने डेंटोटेक फोन किया तो हमको पता चला कि उनको 6 महीने में 4 ऑर्डर मिला। हमारे डॉक्टर्स ने कंपनी को रिक्वेस्ट करके क्लाइंट्स का डिटेल ले लिया, उनका एड्रेस, नेम, फोन नंबर, सारा डिटेल इसमें। थैंक यू सर, चलते हैं। एक्सक्यूज मी, वो मेरा मीटिंग सीएम के साथ फिक्स होएगा ना? सीएम क्या सर, नेक्स्ट वीक पीएम भी आ रहे हैं, दोनों से मिल लेना। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर जिग्नेश, आई एम कमिंग फ्रॉम डेंटोटेक। सो मोटो खोलो सर। सो हेलो मिस्टर, ये कौन सा तरीका चेक करने का? सुनिए, हम डेंटोटेक से हैं। आपने अपना बायां दांत चेंज करवाया था ना, बस उसी का रेगुलर चेकअप है। धन्यवाद। कौन है बेटू? बोलो सर। कांतमणि से मिल रही। अभी पूजा कर रहे हैं सर। आवाज क्यों नहीं आ रही? साइलेंट पूजा है सर। तू इधर क्या कर रही? वो डिस्टर्ब ना हो इसीलिए खड़ा हूँ। बुद्धू बनाता ही मर गया। रुकावट के लिए खेद है, मैं डेंटोटेक से आए। अपना खोलो मुंह। सही है सर, एड खत्म हुआ, पिक्चर चालू करो। गोपू कहाँ मर गया तू? आओ रुको भैया, अपना दांत दिखाओ। हाँ सफेद की चमकार, जाओ जाओ जाओ। लिस्ट के हिसाब से तीनों पेशेंट्स के दांत जगह पर थे। तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? एक आदमी शहर में नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। कौन है वो? सुरेंद्र। सुरेंद्र, ए बोल, कहाँ रहता है तू? यही काम करता है तू? भूल जाता है कि यही धंधा करता है? हाँ ए, तू भी इसी के साथ है ना? चल तुझे भी पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। डालना चाहिए। ये रोना तो ना बंद कर। चल अपना नाम बता। हरकत क्या करती है? अरे कब से लोगों के पॉकेट मार रहा है तू? बता नहीं तो तू का एक खींच के। तेरे माँ बाप का नाम क्या है रे? ए चोर तो ये है, तुम इसे क्यों मार रहे हो? पुलिस को सवाल करेगा, मुझे भी इसे मारने का हक नहीं है। अगर इन जैसे बाहर घूमेंगे तो हम घर से बाहर कैसे निकले? तो फिर घर पे रहो। चलो। ओ चढ़िया कन्हैया, अरे क्यों इनके फट्टे में टांग अड़ाता है? कहां ले जा रहा है इन्हें? रोना बंद कर। कौन सा फ्लोर? थर्ड फ्लोर। रूम नंबर? G16। ए साई, तुम्हारा क्या इरादा है? ए सर, सर, सर प्लीज सर, सर 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 वो बहुत डेंजरस है, रुकिए।
बालकनी कहाँ है? हाँ, इस तरफ। बोतल देना तो। अरे मेरा सर तोड़ा रहा। अरे मामा 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 इतनी जल्दी आ गया? ऊपर से नीचे लाने को टाइम नहीं लगता। किसको नीचे लाया? नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं सुरेंद्र का दोस्त महेंद्र हूँ और ये इमरान हाशमी। आप उनके दोस्त हो का? पहले तो कभी नहीं देखा। आपने भला कैसे देखा होगा, हम उसके स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं। अगले महीने रीयूनियन का फंक्शन है, इसलिए सुरेंद्र को इनवाइट करना था, लेकिन उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास नहीं था। तो फिर यहाँ का पता कौन दिया? अशोक ने दिया, वो थोड़ा लंबा मोटा, उसे जानती होंगी आप। अशोक, ठीक बा, भीतर आई। चला जा, जा। आइए बैठिए। चाय काफी कुछ लेंगे का? कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। एक ग्लास पानी। ठीक बा। सुरेंद्र कब तक लौटेगा? वो यहाँ नहीं रहते, 2 साल पहले ही हमारा तलाक हो गया। लीजिए। आपके बेटे की मौत कैसे हुई? टेरेस पे लुक्का छुपी खेल रहा था, छुपने के लिए टैंक में गया और गलती से वो लॉक हो गया। सुरेंद्र ने इस सब का जिम्मेदार हमको ठहराया, वो हमके हमारा बेटा का कातिल समझने लगा और यही वजह से हमारा तलाक हो गया। फोटो पहले ऊपर टंगी थी, अब नीचे क्यों रखी? हमने नहीं रखी, सुरेंद्र ने रखी। क्या कहा? वो कब आया? बस 3 दिन पहले ही आए थे, फोटो को हाथ में लेके बहुत रोए। और वो फूल? फूल भी वही लेके आए थे। सुरेंद्र आजकल जॉब कहाँ कर रहा है? MG यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर थे, बाद में छोड़ दिया, अब किधर है हमको पता नहीं। उसका एड्रेस तो जानती होंगी? सावरकर रोड पे है कहीं, कोई नंदिनी अपार्टमेंट है शायद। प्यास लगी है, जूस मिल सकता है? हाँ। अरे ए, मल्लिका का असर तुझ पे भी हो गया, माफ करना बहन। आराम से आराम से। मामा, शक्ल देख के भी पता नहीं चला बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है। पुलिस वाला? हाँ मामा। अरे ऐसे मत बोल, लगता है शनि और मंगल मिल गए, लगता है तिरुपति जाके सारे ग्रहों को ठीक करना ही पड़ेगा। हाँ तुम लोग अच्छे से रहना। जी मामा। मामा। वापस आके अपनी लॉन्ड्री का काम फिर से शुरू करूंगा और तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जी मामा। उस पुलिस वाले से मेरी शिकायत मत करना, उससे कहना कि मैं तुम लोगों को अच्छे से रख रहा हूँ। कह देंगे मामा। कितने अच्छे बच्चे हो, भूल न जाना। मैम, आई नीड 4 पासपोर्ट साइज फोटोज। Okay. And copies of your Aadhaar card and your PAN card. Okay. How much I have to pay? Advance is 15,400. Okay. Balance you can pay later. Madam, Sofa delivery. Thank you, ma'am. Sorry sir, we are closing for today. अरे पन फॉर्म भरने दो ना मैन। कोई बात नहीं, बाद में भर लेना। Look, what? I don't understand, man. You can leave now. ऐसा कैसे तुम करता है? फॉर्म भरे बिना मैं इधर से जाएंगा आज नहीं। Hey, who are you? कॉलर काय को पकड़ता मैन?
कौन सा प्रोजेक्ट है? उसका वैल्यू 30 करोड़। डन। आओ ललिता। मैं रेडी हूँ, चले। तू सुरेंद्र के घर जाएगा, मुझे बैंड्रा जाना है। कमाल है, हम साथ जाने वाले थे ना। हाँ हाँ, बाद में जाएंगे। अब क्या है? मुझे नौकरी चाहिए। अब घर में चोरी करोगी? पॉकेट मारना लो स्टैंडर्ड का काम लगने लगा है। मनोहर एक सेकंड बाहर जाओ। अरे कन्हैया, अरे तुम्हारे चक्कर में इसने मुझे बाहर निकाल दिया। पता नहीं चलता ये कब क्या कर देगा। है? मैं एक चोरनी से बात क्यों कर रहा हूं? दूर रहो मुझसे। ये कर क्या रहा है? ओ वड्डी कन्हैया, अरे डिटेक्टिव कन्हैया कहां हो? आ गया। सर किससे मिलना है? सुरेंद्र से। मैडम एक्सक्यूज मी, सुरेंद्र जी इस समय घर पर होंगे? नहीं पता, वैसे भी 2-3 दिन से घर लॉक्ड है। ओ, जानती हैं वो कहाँ काम करते हैं? मेरे पति ने बताया वो स्टॉक ब्रोकर है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ओके थैंक यू। यू आर वेलकम। एक आदमी सुरेंद्र को ढूंढ रहा है। क्या करना है उसका? उसका पीछा करो। ठीक है बॉस, उसका करना क्या है? उसे मेरे पास लाना। हेलो कन्हैया, मैं सुरेंद्र के फ्लैट पे गया था लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को भी उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो क्या करना है? मेरी बात गौर से सुन। 4 गुंडे बाइक पे तेरा पीछा कर रहे हैं। हैं? क्या बोल रहे हैं? पीछे मत देख, जो कहता हूँ ऐसा कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो भाग रहा है, चल। ज्यादा दूर नहीं, पकड़ लेंगे। ए रुक, हो रहा, मैं भागता कहाँ है? ए, कौन है बे तू? उस फ्लैट में क्या करने गया था? ए, तेरे को कुछ पूछा, जवाब दे उसका। जा देख कौन है। मम्मी बचा।
जाओ, मार डालो उस कुत्ते को। एक साथ वार करो। पापा! इधर आ। अरे यार चितर सटक लिया है, जान बचा के भागो। किसने भेजा तुम्हें? हमें नहीं पता, करीम ने 5,000 देने की बात की और यहाँ ले आया, बाकी नहीं जानते। और वो पैसे दिए बिना ही भाग गया। कहाँ से आयो? आईसी कॉलोनी। और वो करीम? आदर्श नगर में रहता है। बॉस आपने जैसा कहा हमने उसका पीछा किया, लेकिन वो उनको धोखे से एक पुरानी बिल्डिंग में ले गया। उधर एक लंबू टांग छिपेला था, अब उन लोग ने उसको मारने का ट्राई किया, लेकिन वो तो ब्रूस ली का भी बाप निकला बॉस, उसने हमको बहुत धोया। हाँ वो तीनों वही हैं, लेकिन मैं उधर से कल्टी मार लिया। आप टेंशन मत लीजिए बॉस, वो तीनों आपको नहीं जानते हैं। बॉस जरा पैसे मिल जाते तो क्या है ना, कल अपना बीवी का बर्थडे, उसको साड़ी देगा तो वो खुश हो जाएगी। आप दे रहे हो बॉस? हाँ बताइए ना कहाँ हूँ लेने, 8वें माले पे, अभी आता हूँ। अब तो बीवी खुश हो जाएगी।
कितनी गर्मी है। एक चल वहां कोई है, बड़ी छुप जाते हैं कहीं। चल वेट, हिलना मत। राम 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 राम। मेरा चश्मा तो ले गया। अबे बुढ़ापे में भी पड़ोसन को ताड़ेगा, आके चुपचाप सो जा। ए, तू चश्मा तो ले गया? वहाँ सामने के फ्लैट में कोई दिख रहा है। सुन, चश्मे के साथ टॉर्च भी लेके आना। हाँ, लाती हूँ। नहीं, यहाँ से निकलते हैं। अरे वो टॉर्च ला रही है। अरे सुबह के टाइम उस फ्लैट पे कोई नहीं आता तो अब कौन आएगा? हे भगवान, चश्मा लगा के भी मैं तुझे दिखती नहीं। अरे सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ दो आदमियों को देखा था। तो अंधेरे में दो दो आदमी कैसे दिख गए? चल सो रे। अरे रुक तो। हमसे पहले कोई और भी आके गया है। कन्फर्म्ड आदमी, शूज साइज 10, हाइट 5'11". जरा टॉर्च दे तो। ना हाइट दिखे ना साइज। तो शोध हूं, पकड़ो। पूरी मेहनत बेकार, कुछ फायदा नहीं। चल वापस घर चलते हैं। सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी कमबख्त मौके पर नजर नहीं आते, ऐसा ही है ना मनोहर? ये देख, ये तो कोई निशान है। इस टेबल पर कई दिनों की धूल जमी हुई है, सिर्फ यही जगह साफ है। यहां रखी चीज कोई ले गया है। लेकिन क्या? मनोहर, टेप दो। अपने मोबाइल पे बुक्स का एप्लीकेशन खोलो, उसमें तुम लाइटनिंग फिजिक्स एंड इफेक्ट टाइप करो। बुक के डायमेंशन सर्च करो, 21.5 by 27.5 centimeter। यह एज बुक पढ़ी थी, लाइटनिंग फिजिक्स एंड इफेक्ट। डिटेक्टिव कन्हैया प्रद्युमन।
कहां चुक गए हम? किसने इंफॉर्मेशन लीक की? आता क्या करे अंकल? एक कॉफी आण। कहा कॉफी? हाँ थाम ये तो। मनोहर उठ। मनोहर, वो गुंडा जो वहां से भागा था। सर चाय। चा मांगी के? मैं चा मांगी के? भाग गई थी। मनोहर, सुरेंद्र फिजिक्स का टीचर है, फिर स्टॉक ब्रोकर क्यों बना? स्टॉक ब्रोकर बना तो इंजीनियरिंग की बुक्स क्यों पढ़ रहा है? शेयर्स में घाटा हुआ होगा तो फिर से लाइन बदली होगी। जो स्टडी कर भी जो है, तो लाइटनिंग का टॉपिक क्यों? वर्डी लाइटनिंग तो फिजिक्स ही है ना? नहीं मनोहर, हमें उलझाया जा रहा है। कुछ तो मिसिंग है। कोई सुरेंद्र के घर से लाइटनिंग का बुक क्यों चुराएगा? कौन हो सकता है वो? यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस्टर कन्हैया, प्रद्युमन ये रहते हैं? यस सर, कम इन प्लीज। सर,
बैठिए ना सर प्लीज। कन्हैया। हाँ हाँ, उनसे पहले तो सायरन की आवाज पहुंची। मिस्टर कन्हैया, एक केस के सिलसिले में मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत थी। सॉरी सर, फिलहाल बिजी हूँ, आप जा सकते हैं। मिस्टर कन्हैया, क्या तुम जानते हो ये कौन है? यस यस आई नो, ये है असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार और आप इंस्पेक्टर माधवन। एसीपी पॉल की डेथ के बारे में बात करने आए हैं, जो 2 हफ्ते पहले कोलैप्स हो गए और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से उनके सारे वाइटल ऑर्गन्स में हैमरेज है, उन्हें गवर्नमेंट सेमेट्री में दफनाया गया था। नाउ द केस इज क्लोज्ड, फिर भी यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर कन्हैया, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपने वो केसेस सॉल्व किए हैं जो पुलिस के लिए भी सॉल्व करना मुश्किल था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। दरअसल एक पर्सनल मैटर था, बस उसी सिलसिले में मैं आपकी मदद चाहता था। ओके बताइए। एसीपी पॉल और मैं कॉलेज के जमाने के फ्रेंड्स थे, 22 सालों की दोस्ती थी हमारी। उसे कोई बुरी आदत भी नहीं थी, शराब को वो हाथ भी नहीं लगाता था, शराब तो क्या, सिगरेट तक नहीं पीता था। और जानते हो, वो एक बहुत बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। आज तक उसे कोई हेल्थ इश्यू नहीं थी, फिर अचानक उसकी डेथ कैसे हो सकती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट किसने बनाई? डॉक्टर सिंघानिया ने। डॉक्टर सिंघानिया, ही इज अ ग्रेट पैथोलॉजिस्ट, फिर तो रिपोर्ट सही होगी। नो मिस्टर कन्हैया, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट वाज अ नेचुरल डेथ। इफ इट इज नॉट अ नेचुरल डेथ देन व्हाट इज इट? मर्डर? वैसे कुछ न्यूज़पेपर्स वालों ने भी यही बात छापी थी। पेपर वाले कुछ भी छापते हैं। कन्हैया प्रद्युमन, एक नंबर में बुद्धू छे तू। ओह माय गॉड, ये से क्या हो गया? अंदर किससे बातें कर रहा है? समझो के एक मिनट सर, मैं अभी आता हूं। लाइटनिंग से हुई सीईओ की मौत। मनोहर जल्दी आओ, केस सॉल्व થઈ ગયો। એ કનૈયા નંબર નો બુદ્ધુ છો હું, તુજે કઈ રીતે મિસ થયો? શું કરાય તું? જલ્દી ચાલ। શું હો રહા હે? સર મેં સમજ લીધું તુમ્હેં, યે જાતા આ રહા હે। એ કનૈયા રુક, અરે રુકો। મિસેસ દિવાકર કો બુલાઓગી બેટા। મમ્મી, આપસે કોઈ મિલને આયા હે। कहिए क्या काम है? अपने पति की मौत के बारे में आपने झूठ क्यों बोला? What? Who the hell are you? वो हादसा आपने देखा या सिर्फ इमेजिन किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसको झूठ क्यों बोला? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं कन्हैया क्या बोल रहा है? सॉरी मैम, इसकी बातों को दिल पे मत लीजिए। सच बताइए, झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? वो भी अपने पति के बारे में? अपने पति, अपने बेटे को अपनी आँखों के सामने मरते देखा है मैंने। रोज उन्हें याद करके रोती हूँ मैं दिखाती हूँ तुम्हें सच क्या है। चलो आओ मेरे साथ ऊपर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बेचारी को मैं उनके बारे में झूठ बोल रही हूँ। आओ मेरे साथ, अपनी आँखों से सब देखा है मैंने, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। आओ आओ, देखो देखो, यही है वो जगह जहाँ मेरे पति और बेटे के ऊपर बिजली गिरी और वो दोनों खत्म हो गए, यही पर मेरे सामने। अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। बस करो, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आओ मेरे साथ, आओ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पर दोनों खड़े थे, यही पर उन दोनों पर बिजली गिरी थी, यही पर मेरा बेटा उन्हें सरप्राइज गिफ्ट दे रहा था, यही पर। यहीं से उनको देखा था? हाँ, हाँ, नहीं, नो नो नो, मैंने उन्हें वहाँ से देखा। मैं यहाँ थी, मैं और गुन्नी, हम दोनों यहाँ थे। मेरा बेटा वहाँ दिवाकर को गिफ्ट देने गया था और उसके बाद जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद उन पर बिजली गिरी और वो दोनों। मैडम, आप बार बार झूठी कहानी सुना रही हैं। शट अप, मैंने अपनी आंखों से देखा था, पहले बिजली कड़की थी, उसके बाद उन दोनों पर बिजली गिरी थी। कहाँ से गिरी? उस तरफ से। आप बिल्कुल सच कह रही हैं, आपका हर एक शब्द सच है।
पिछले महीने 26 की रात को यहाँ ड्यूटी पे कौन था? तुम आओ कौन हो? तारो बाप। ए मिश्रा, 26 तारीख को तुम आए थे ना ड्यूटी पे? इस 26 को याद नहीं है? अरे भूल गवा के उस दिन कुछ लोग तुमसे बात कर रहे थे। हाँ हाँ याद आया, उस दिन मैं ही था। उस रात को कोई आदमी ऊपर गया था? बिजली कंपनी से आए थे। कितने आदमी थे? 3 जन साथ गए थे। बहुत बारिश हो रही थी ना इसलिए नहीं गए। क्या वो अपने साथ कुछ सामान लेकर गए थे? 4-5 को बक्सा लेके गए थे। क्या उन 4 में से ये भी एक था? ₹500 जो कुछ तू कर रहा है ना ये मेरी समझ से बाहर है। और इस केस से उस औरत का क्या लेना देना है बोलना? पहले बिजली कड़कने की आवाज़ सुनी, उसके बाद बिजली गिरती देखी, इम्पॉसिबल है। लेकिन आवाज और लाइट के रेस में तो कोई भी जीत सकता है। तो 5वीं 5 बार फेल है क्या? लाइट की स्पीड साउंड से फास्ट होती है। हाँ बिल्कुल, बिजली गिरने के बाद उसकी आवाज सुनाई देगी, ये बात एक बच्चा भी जानता है। वो सुरेंद्र यहाँ क्यों आया था? थंडर इंजीनियरिंग, वेदर एंड क्लाइमेट साइंस एंड ट्रांसफॉर्मर्स, यही बुक्स पढ़ रहा था ना वो। मतलब वो बिजली, मतलब दिवाकर की मौत बिजली गिरने से नहीं हुई, सुरेंद्र और उसकी टीम ने उसे मिलकर क्रिएट किया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर माई फ्रेंड, सोची समझी हत्या। Thank you. We need to know some details about a case. कौन सा केस सर? मरने से पहले आपके MD दिवाकर बैंगलोर जाने वाले थे, बता सकते हैं किस सिलसिले में जाने वाले थे? सॉरी सर, कंपनी की डिटेल्स मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। मिस्टर उमेश, he's a private detective. I am from CBCID. ये केस इन्हें हैंडओवर किया है। सीधी तरह से जवाब दो वरना CID ऑफिस बुला के इंटरोगेशन करना पड़ेगा। गाइस, 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं प्लीज। दिवाकर किस पर्पज से बैंगलोर जा रहा था? एक टेंडर के लिए। किसका टेंडर? मेडिसन रूट से सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर। टेंडर का क्या हुआ? हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कौन सी कंपनी? एवियन सॉल्यूशंस। दिवाकर की तरफ से कोई कुछ गड़बड़ घोटाला? नो सर, वो कंपनी के CEO और मेन सॉफ्टवेयर डिजाइनर थे। उस ऑर्डर का वैल्यू क्या था? $10 million। वन लास्ट क्वेश्चन, इंटर्न सिस्टम्स की तरफ से टेंडर भरने के लिए किसे भेजा गया था? राम प्रसाद। हेलो, अपनी कार क्या विंड डीजल की तरह ले जाएंगे हम? अरे सर, गाड़ी बंद पड़ गई थी, अभी उसे ही बना रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाएं। वर्टी क्या सोच रहे हो? हेलो। सर सर, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ सर? अब ठीक तो? थोड़ा पानी पिला दो। अभी लाया सर। ये लीजिए सर। ये तो एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। उसकी जरूरत नहीं, ब्रीफकेस में टैबलेट्स पड़े हैं, वो मुझे दे दो। नंबर क्या है सर? 329। सर नहीं खुल रहा है। कौन सा नंबर लगाया? 329 लगाया सर। सॉरी, 429। ये लीजिए सर। अंकल, मैं आपको पूरे ऑफिस में ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ पर हैं, क्या हुआ? सर को चेस्ट में पेन हुआ था। चेस्ट पेन? आपने दवाइयाँ ली? हाँ, इस ब्रीफकेस से इस भले आदमी ने दी। थैंक यू। चलिए अंकल, आइए आराम से।
चलिए। एक सेकेंड रुकना, ये लो रखो। नहीं सर, मैं कह रहा हूं ना रख लो। आप बस अपना ख्याल रखिए सर। वो दवाइयां लेनी चाहिए। हाँ, कौन से नंबर से कॉल आया था तुम्हें? कहाँ का था फोन? नहीं नहीं नहीं, पुलिस को फोन मत करना। एक्सक्यूज मी, आपको रामप्रसाद जी से क्या काम है? क्या अभी जो ब्लू शर्ट वाले जेंटलमैन लिफ्ट से उतरे वही रामप्रसाद है? वो पता नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हेलो, ही इज फ्रॉम सीबीसीआईडी, मिस्टर शंकर, आई एम महादेवन। सर, अभी मैडम का फोन आया था सर कि उनका बेटा किडनैप हो गया है। कितने पैसे चाहिए उन्हें? That's okay. उसके स्कूल में बात की? कोई भी बात करने से पहले तुम्हें स्कूल में फोन करना चाहिए था। कोई प्रैंक कॉल भी हो सकता है ना, इडियट। तुम फोन रखो, अभी तुम फोन रखो, मैं बात करता हूँ। हाँ डायल कर तो रेजे। हेलो जी, स्टैंडर्ड 6D के स्टूडेंट सुरेश प्रसाद का पापा बोल रहा हूँ मैं। प्लीज चेक करके बता सकती हैं वो क्लास में है या नहीं? यस मैम, नो प्रॉब्लम, मैं होल्ड करता हूँ। वड्डी नंबर बिजी आ रहा है, पांच होकर। अरे कुमार। हाँ सर। ये बदबू क्यों आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही सर। इडियट, मैं पागल हूँ क्या? मुझसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा है। तू कार को साइड में लगा और यहाँ चेक कर। यस मैम। व्हाट? थैंक गॉड। मैम आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म होने के बाद उसे वहीं रोक लीजिए, मैं उसे खुद लेने आऊंगा। थैंक यू। हेलो सर, मैं डिटेक्टिव कन्हैया बोल रहा हूँ। डिटेक्टिव? यस, मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? सर चूहा मरा हुआ है। हटाओ हटाओ इसे, ये यहाँ कैसे आया? सुबह ही गाड़ी साफ की थी सर, तब नहीं था। रिमूव इट यू फूल। सर ये इसे मेरी गाड़ी मिली थी क्या सुसाइड करने के लिए? सर चलो अब। मनोहर कुछ तो गड़बड़ है। क्या कर रहा है? एयर फ्रेशनर तो ऑन कर, स्मेल इज अनबेरेबल। कुछ कहा मैंने? हेलो सर। हाँ, ये हमारा एयर फ्रेशनर नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से ऑन कर रहा तू। जी सर। आपको जो भी बात करनी मेरे लॉयर से। हेलो हेलो सर, अब अपना दिमाग चलाना बंद करो और गाड़ी चला। हेलो, क्या चाहिए आपको? ये नंबर कहां से मिला आपको? सॉरी, आई एम सॉरी, जो कहना है मेरे वकील से कहिएगा। ये बदबू जा नहीं रही है, विंडो खोल। अरे नहीं नहीं, बंद कर विंडो, कितनी गर्म हवा आ रही है। कन्हैया ये कार वही है ना? यस। घर जाने की बहुत जल्दी है तुझे। कुमार गाड़ी धीरे चला। अरे गाड़ी धीरे चला। ए, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं कर रहा हूं, मैं जोक मार रहा हूं यहां। ए, 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 तू पागल है क्या? पागल तो नहीं हो गया?
साई कब क्या क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है। मनोहर, टेंडर पाने के लिए रामप्रसाद ने दिवाकर को मारने के लिए गैंग को सुपारी दी। दिवाकर का खून हुआ ये सिर्फ हम जानते हैं, और क्योंकि हमें रामप्रसाद पर शक हो गया, उन्होंने उसकी कार के एयर फ्रेशनर में लिक्विड को भर दिया। मतलब समझो? नहीं नहीं, लाफिंग गैस यार, 12th में पढ़ा नहीं है क्या? हाँ पढ़ा था। सूंघने से ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और इस वजह से खून तेजी से नसों और दिमाग में दौड़ने लगता है, और ऐसे में दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। फर्स्ट रिएक्शन लगता है जैसे कोई लगातार गुदगुदी कर रहा है, दिमाग का बॉडी से कंट्रोल हट जाता है जैसा ज्यादा शराब पीने पे होता है, और फाइनली दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता। दोनों की बेरहमी से जान ले ली। वो चालाक हैं और बहुत स्मार्ट भी। हर एक मर्डर को एक्सीडेंट की तरफ पेश करते हैं। हमसे दो कदम आगे हैं। सुन के चक्कर आने लगा। तूने भी सूंघ लिया क्या? सर चाय। जिंदगी में बस दो गलतियां कर दी, खुशियां नशे के नाम और उदासी होश के नाम कर दी। कमलेश, फर्स्ट टाइम गलती। ये चुप कर। लड़की लोग हिंदी नहीं जानता। कमलेश, फर्स्ट टाइम हमसे ऐसी गलती हुई है। देखो जॉन, टोटल हमने 8 सोफा दिया, आज तक सब काम बिना झामेला के एकदम क्लीन गया है। इस टाइम पे क्या हुआ? हैंडल कर लूंगा। की करे? जैसे राम प्रसाद को हैंडल किया तमोन, चॉइसेस ना होता, उसको मारना पड़ा। राम प्रसाद हमारा क्लाइंट था, 300 करोड़ दिया था उसे हमको। कमलेश, कोई गले में फंदा डालने लगे तो वो रस्सी काटो या तो सुली पे चढ़ो, इसीलिए उसको मारना पड़ा। अगर वो जासूस राम तक पहुंच जाता तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता। सो नो ऑप्शन। जानते हो ना, मुर्दे कभी जबान नहीं खोलते। डिटेक्टिव को भी जहन्नम पहुंचा दो। उसका अरेंजमेंट हो गया। क्या आए? वो लोग प्रोफेशनल है, बॉडी का पता भी नहीं चलेगा। कमलेश, तुम्हारा काम है क्लाइंट्स को ढूंढना और हमारा अंजाम देना। उस डिटेक्टिव के वायरस को हम डिलीट कर देंगे। एक छोटी सी गलती आप ले लो भारी पड़े। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। उसका मुंडी काट के हमारा पांव में रखने का बोला है। अरे हमको भी देखना है उसका ब्रेन में क्या स्पेशल है। अरे हमको मालूम है हम क्या कर रहा है। चल चल। कन्हैया, चरिया ध्यान किधर है? ए, कौन है वहां? रेड ड्रैगन इनवाइट्स यू। Oh, yes. काफी अच्छा टेस्ट है इसका। सीरियसली इरेन, नाइस एग्जांपल। ओके, हां बोलो ना। आई वांट मैं कुछ पास्ता स्टिक कोल्ड ड्रिंक बना। मैं काफी बार आ चुका हूं। लव। अरे थोड़ा सा शेजवान सॉस करो मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स है। वैसे बहुत ठीक है। पीना मत। फ्री नहीं है। अरे पीवानी एक्टिंग कर। ओके। बाहर भी कहीं आप। ये टुगेदर के लिए भी अच्छा है। आई डोंट माइंड। चलेगा मुझे। वन थिंग नाइट। चलो यहाँ से चलते हैं। ओके, चलो चलते हैं। वड्डी साईं, सब जा क्यों रहे? लोचा है क्या? मारी बात ध्यान से सांभा, अर्जेंसी दिखाए बिना यहां से निकल जा। और तू वड्डी, गली के नुक्कड़ पे मेरा इंतजार करना। अगर 3 मिनट में मैं नहीं पहुंचा तो पुलिस को लेकर आना। साईं तुझे अकेला छोड़ के तू हेटलो कर।
इन चाइनीज चॉपसियों को कमलेश नाम के आदमी ने हायर किया था। कहाँ मिलेगा वो? वो शेरेटन होटल में मिलेगा। हाय। उड़ी बाबा। जॉन और अंकल यहाँ आए थे? आया तो था किंतु चला गया। ओह। हम तुम्हारा लिए कुछ कर सकता है? एक्चुअली Can I use your restroom? Oh, जरूर। My pleasure. Do you have Wi-Fi here? है ना। क्या मैं यूज कर सकती हूँ? करो ना। और मस्ती में तो
इरे क्लास नीचे रख दो आरपीर आर यू रेडी Excuse me, I am Assistant Commissioner of Police, Vijay Kumar. मुझे रूम नंबर 2701 के गेस्ट के पूरे डिटेल्स चाहिए. Quick. One minute, sir. His name is Mr. Kamlesh. कब से यहाँ रह रहा है? Approximately 6 months. Show me his ID proof. Yeah, let me check, please. Make it quick. मेरे पास वक्त नहीं है. Yes, sir. No, come on, you must be having it. It's a rule. I don't have it, sir. और कुछ information दे सकती हैं? It's very important. I cannot. Excuse me, मुझे कमलेश के रूम की चाबी चाहिए. मैनेजर के परमिशन के बिना मैं नहीं दे सकती. मैडम प्लीज, मैं मैनेजर से बात कर लूंगा. दे दो. ओके. फायर एग्जिट कहाँ है? वहाँ है. थैंक यू. हेलो. व्हाट? कौन हो तुम? आंटी कैसी हैं आप? कौन हो? कौन हो? मैं भी वही पूछ रही हूँ. कभी तो पैसा दो साहब. चौबे चौबे से पैसा लेगा तेरे कान के नीचे बजाऊं क्या? काका इंपोर्टेड बीड़ी छे. देशी है साहब. तो रखो. साहब कर पहले तो.
शू करे चाहिए ए मनोहर हाँ। जल्दी यहाँ आओ। आ रहा हूँ वोटी। ए यहाँ क्या हुआ सही? बहरी है क्या? किससे पूछ कर मेरी शर्ट पहनी? जवाब दे। मैंने बाप नो माल से क्या होता है? सही मेरी बात सुन, बस से उतरते समय इसका ड्रेस फट गया था, इसलिए मैंने इसको ये पहनने को दिया। तू जा यहाँ से, इधर आ। पहले तो तरस खा के उसे यहाँ पर काम पे रख लिया और अब हर छोटी बड़ी बात पर चिल्लाता है। साई मैंने उसको शर्ट पहनने को कहा तो उसने पहन लिया, इसमें इतना बवाल क्यों किया? लाइब्रेरी की सारी किताबें घोल कर पी गया लेकिन जिंदगी की किताब का एक घूंट नहीं पिया। ए, मुंह में ढोकला भरिया चके, सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? पुतला बन के खड़ी थी, कहां से फटाए? दिखा। ए मनोहर, अब क्या है? चल कुछ नए कपड़े खरीदते हैं, शॉपिंग करने जाना है, तो पन ले लीजिए। सर ग्रीन टी। पिला के मारेगी क्या? ए मल्लिका। जी सर। तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए भी नई ड्रेस ले लेते हैं। मगज खराब छेके, उसके हाथ में चाकू था, तेरा सलाड बन जाता। वो आपको चाकू तो क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं, ये डिटेक्टिव की लाइफ है, मेरी जिंदगी चाकू की नोक पर है, कभी भी मर सकता हूँ। शुभ शुभ बोलिए सर। क्यों, मैं अमर हूँ क्या? सबको एक ना एक दिन मरना ही है। दुनिया को अच्छे लोगों की किसने कहा मैं अच्छा हूँ? कहने की क्या जरूरत है सर? अपनी ये डायलॉग बाजी बंद करो। जो दिल में है वही कह रही हूँ सर, वरना एक चोर को घर में कौन? अबे तू चोर नहीं, मेरे जीवन का हिस्सा। ए, तू क्या जाए? बिखरी हुई किताबों को ठीक से रख देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो रहे, दिखता नहीं अकेला हूँ। और तू घूर क्या रही है? आंख नीचे कर, जब देखो तब घूरती रहती है। चल निकल यहाँ से, कहा ना आपने, घर जा। ए मल्लिका, कुएं में कूदने को बोलूंगा तो कूद जाएगी क्या? गांडी छके। थैंक यू मल्लिका।
क्या लोगे? कुछ नहीं, आप कुछ बताना चाहते थे? हमने कई विक्टिम्स के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। सिक्स्थ फ्लोर से गिरकर मरने वाला करीम, एक्सीडेंट में मरने वाला रामप्रसाद और होटल में मरने वाला कमलेश, इन सारे विक्टिम्स को एक पर्टिकुलर प्रीपेड नंबर से कॉल किए गए थे। वो सिम कार्ड कहाँ से खरीदा गया था पता चला? करीब 2 महीने पहले टाटा के पास के दुकान से 12 सिम कार्ड परचेज किए गए। बायर का नाम लक्ष्मण था। काम क्या करता है? प्रॉपर्टी डीलर है। दुकानदार ने आईडी प्रूफ नहीं मांगा? बिल्कुल मांगा था। लेटर हेड, उसकी फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस। लेटर हेड किस नाम पे है? गोल्डन ट्री फर्नीचर नाम का एक शोरूम है। प्रोपराइटर का नाम कमलेश, उसका साइन और स्टैंप दोनों है। वही कमलेश जो मर गया? हाँ, वही कमलेश। उसका एड्रेस है अरोरा थिएटर, मीरा रोड ईस्ट। फेक एड्रेस। यू आर राइट। उस प्रॉपर्टी डीलर का कोई पता? हाँ किया, लेकिन ये दूसरे स्टेट का मैटर है इसलिए एफआईआर नहीं हुआ। उसे टॉर्चर करने के बाद पता चला कि उसे इस काम के 10,000 मिलते थे। पैसे किसने दिए? कोई बूढ़ा आदमी है। उम्र क्या होगी उसकी? 60 या 65 का होगा। दिखने में कैसा लगता है? वो बहुत शरीफ दिखता है और ज्यादा नहीं बोलता। रामप्रसाद और कमलेश के घर तलाशने का कोई फायदा? रामप्रसाद के घर में नहीं जा सकते बिकॉज वी हैव नो वारंट, और कमलेश का घर कहाँ है ये नहीं पता। रामप्रसाद के बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। कन्हैया इट्स ओके, आई विल पे। मुझे चाहिए, चलो चलो चॉकलेट लेते हैं। ये चलो चॉकलेट ले लो। ये मैं वो वाला चॉकलेट लूंगा। कोई आवाज सुनी? नहीं, मैंने तो नहीं सुनी। हेलो? हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? लगता है किसी कीड़े ने काट लिया। साई, वोडी क्या हुआ? चल जल्दी। अरे अरे, अंदर बैठ। यस नहीं, कहाँ ले जा रहे? रहना, हिलना मत। ओके मेरे बाप। फोनिया क्या हुआ? चला जा रहा हूँ। बट हुआ क्या है? अरे सही कुछ तो बता, हुआ क्या है? इनकी जीप को फॉलो करो। मैं ठीक ऐसे ही केस के बारे में पढ़ चुका हूँ। 1.7 mm पैलेट बुलेट में माइक्रो होल करके उसमें 0.5 mm राइसिन भरते हैं और वैक्स से सील करके विक्टिम को शूट करते हैं। लगेगा जैसे किसी छोटे से कीड़े ने काटा हो। जैसे ही पैलेट बॉडी के अंदर जाएगी, बॉडी टेम्परेचर से वैक्स पिघलने लगेगा और वैक्स के पिघलते ही पैलेट के अंदर का राइसिन बाहर आएगा और उसके बाद वेंस में जाकर वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज करेगा, जैसे किडनी, लीवर और ब्रेन, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग होगी। नतीजा ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक एंड कोमा। 3 दिन में विक्टिम की डेथ हो जाएगी। अपने पॉल के रिपोर्ट में भी ऐसा ही था ना? यस, लेट्स गो। डॉक्टर विल कॉल यू। थैंक्स। कौन हो भाई? पिछले महीने के 23 तारीख के इवनिंग शो के सीसीटीवी का फुटेज देखना है। मजाक कर रहा है के? यहाँ सिर्फ मैं ऑर्डर देता हूँ। बस की पूछ। अब तो देख सकते हैं ना? वो देखिए। बॉस, थोड़ा पीछे लो। स्टॉप, प्ले करना। स्टॉप स्टॉप, थोड़ा रिवाइंड करो, यहां पॉज करो। जूम करो।
सर उस दिन इवनिंग शो में एक आदमी ने 3 टिकट बुक की थी, वो भी अलग अलग रो में F8 E7 D6। टिकट की बुकिंग क्रेडिट कार्ड से हुई थी? यस सर, ये डिटेल्स हैं। थैंक यू। वेलकम सर। सर क्रेडिट कार्ड होल्डर एक लड़की है, अरण्या। एड्रेस क्या है? 18/15 बोरीवली। एक एमजी से भी कम राइसिन किसी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया तो उसकी मौत हो सकती है। का ड्रेनेज चेक करवाओ। ओके सर। सर वो नाइट शिफ्ट कर करके पक गया हूं यार। सोच रहा हूं बॉस से बात कर लेता हूं। कितने दिन? मुझे 4 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए। क्या है? खूब इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। इतनी रात को तुम्हें क्या चाहिए? एक कप कॉफी चालेल। ऑफिस में रेड पड़ चुकी है। आईटी सर्टिफिकेट पर आपका नाम छपाया अंकल। आप जिंदा रहे तो सब मर जाएंगे, मगर माफ कर अंकल। मुझे माफ करना।
सर, व्हाट्स हैपनिंग हियर? आपको कुछ दिखाना है सर। ये एक लाइटनिंग एमिटर है, फर्स्ट मर्डर इसी से किया गया। हमारे इंजीनियर इसका डेमो देंगे ताकि समझ में आ सके मर्डर किस तरह से किया गया था। सब लोग पीछे हट जाइए। मूव मूव मूव, इट कैन बी डेंजरस। पीछे जाइए सब, और पीछे, कम ऑन मूव। ऑल लाइट्स ऑफ। तुम्हारे किसी खास की मौत होने वाली है डेविल मनोहर। क्या हुआ, फिर से ऑपरेशन करना है? थैंक यू सिस्टर। कुछ चाहिए तो बेल बजा देना। मिल्खा सिंह से मिलके आ रहे क्या? एक SMS आया था। कैसा SMS? वो मेरे किसी खास को मारने वाला है। तुझे जिंदा देख के जान में जान आ गई। ये देख। कन्हैया, मल्लिका। हाँ, बोलिए। डिटेक्टिव से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है, आप कौन है? उनका पुराना दोस्त। अंदर आइए। प्लीज बैठिए ना। आपके लिए ग्रीन टी लाऊं? नो थैंक यू। तो कुछ और ले आऊं सर? एक कप कॉफी। ओके। क्या हुआ? रिंग जा रही है, उठा नहीं रही है।
सर कॉफी प्लीज वहां रखिए ना। फिर से ट्राई कर। मलिका 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 क्या हुआ? नो क्या हुआ मनोहर? मुझे देखने दे। जो दे मने जो दे हट। मलिका मल्लिका क्यों तुम क्यों आई? तुम्हें अपने घर क्यों बुलाया? एक पागल के कहने पर तुम यहां क्यों आई? ये क्या हो गया? ऐनी दुश्मनी तो मारी साथ रहती नहीं तो पछी एड़े तारो तारो जीव केम ली दो? तू इस मनुष्य के घर क्यों आई? मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। मैंने कई लोगों की जान बचाई है लेकिन तुझे तुझे नहीं बचा पाया मल्लिका। क्या बदलाई गई थी तू? वो भी इस पागल के लिए? इससे अच्छा तो तू पॉकेट मार ही रहती। सर, मैं अभी एक पॉकेट मार ही हूं। साले कमीने! चल बता, जैंग के साथ तेरा क्या कनेक्शन है? मैं और कमलेश कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। वो मुझे चाइना क्रिक के पास ले गया। वहां पर मेरी जान पहचान डेविल गैंग से करवाई गई। वो मर्डर्स करते थे और सबको लगता था वो नेचुरल डेथ्स हैं। पैसों की बारिश होने लगी। डेविल को 60%, कमलेश को 35% और मुझे 5% एसीपी पॉल को क्यों मारा? सुंदर भवन के मालिक रतन सभापति ने अपने ड्राइवर की बीवी का रेप कर दिया और फिर उसे मार दिया। वो केस एसीपी पॉल इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। कमलेश रतन सभापति से मिला और 90 करोड़ में डील फाइनल कर दी। 2 दिन बाद एसीपी पॉल को ठिकाने लगा दिया गया। सुरेंद्र का गैंग से क्या कनेक्शन है और अभी कहाँ है वो? कमलेश एवियन सिस्टम्स के ओनर राम प्रसाद से मिला और उससे 300 करोड़ में डील फाइनल कर दी। इंटर्न सॉल्यूशंस के सीईओ दिवाकर का मर्डर करने के लिए गैंग ने प्लान बनाया। सुरेंद्र ने उस प्लान को वर्कआउट किया। उसी ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। वो दिवाकर के घर के पास की बिल्डिंग में जनरेटर ले गए। वहां पहले से ही पावर का कनेक्शन मौजूद था और उसी से लाइटनिंग क्रिएट की गई। उस लाइटनिंग की वजह से उन दोनों बाप बेटों की
ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सुरेंद्र इस बात से बहुत अपसेट हो गया। उसके बेटे की उम्र भी दिवाकर के बेटे जितनी ही थी। वो खुद को गुनहगार ठहराने लगा। वो पुलिस को सरेंडर करने की बात करने लगा। ऐसे में सब पकड़े जाते। डेविल ने उसे धमकी दी कि वो उसकी वाइफ को मार देगा। सुरेंद्र पुलिस तक जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। 3 दिन बाद सुरेंद्र जाली पासपोर्ट बनवाने के लिए विक्टर के पास गया। सुरेंद्र का जिंदा रहना हम सबके लिए मौत का पैगाम था। वो हम सब से बच के भाग रहा था, तभी हमने उसे बीच के पास दबोच लिया। डेविल ने उसके ऊपर निशाना साधा। तभी अचानक एक कुत्ते ने डेविल के हाथ पर हमला कर दिया। गुस्से में डेविल ने उस पर गोली चला दी। कोई हमें देखता उससे पहले हम बॉडी को वैन में डाल के ऑफिस ले आए, लेकिन डिटेक्टिव ने हमारा पीछा करना शुरू किया। पहली बार हम लोगों से गलती हुई, वरना हम कभी नहीं पकड़े जाते। ये डेविल है कौन? नहीं जानता। मैंने सारे रिकॉर्ड्स छान मारे, लेकिन कुछ नहीं मिला। डेविल सच में राक्षस है। इस वक्त कहाँ है वो? नहीं पता। शुरू हो जाओ। जी सर, बता। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं जो कुछ भी जानता था मैंने सब बता दिया। मैं सच बोल रहा हूँ। कन्हैया अब आगे क्या करना है? Whom you want to meet? Victor. For what? ट्रांसफर सर्टिफिकेट जॉन रिचर्डसन हॉलचा। डिटेक्टिव की जेट्स की क्या बात है? मुझे शूट मत करना, मैं सरेंडर करता हूं। शूट मत करना प्लीज।
आयुर्वेदिक वर्सेस चाकू। अभी जा। तुझे योगा की जरूरत है, इसे कहते हैं पंचकर्मा। क्रिस, 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 वेलकम मिस्टर डिटेक्टिव, अब आएगा खेल में मजा। वाह, उस तरफ जाओ। वासु, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलो उठो वासु। मुझे छोड़िए, आप जाइए। तुम इस तरफ से जाकर देखो। ओके, जाओ। एसीपी की आवाज। Damn it! Hey!
लकाई नहीं उड़ा बेबी, कम तुम्हें गहरी नींद की जरूरत है। Hold my hand. Call the detective. मुझे उससे बात करनी है। नहीं, नहीं। नहीं बुलाऊंगा, नहीं बुलाऊंगा, नहीं कन्हैया, यो मताना, चाहे कुछ भी हो जाए, मताना, चाहे मुझे मार डाले, मताना यो, डोंट सरेंडर, कमीने, तू बचेगा नहीं। कन्हैया, कम फास्ट, यहाँ देखो। बोला उसको। डिटेक्टिव अंकल। स्टॉप, स्टॉप, I'm coming. आ रहा हूँ। रुको, उसे कुछ मत करना। मैं आ रहा हूँ। Lie down. हाथ पीछे करो। तुम यहीं रुको। तुम्हारी काम वाली को मारने से पहले मैंने भी थोड़ी सी जासूसी की। तुम्हारे ड्रॉअर में एक पैकेट मिला जिसमें मेरी बुलेट थी, तब सब कुछ क्लियर हुआ। यह हाफ टिकट अपने पिल्ले के कातिल को ढूंढ रहा था, इसलिए तुम हम तक पहुंचे। डिटेक्टिव, इस बार तुम हार गए। आई एम द विनर। तुम माउथ ऑर्गन बजाओ, मैं डांस करूंगा। बहुत नचाया तुमने मुझे, खूब नाचोलस। यू फिनिश्ड मी। कायर, जब मुझे मतलब पड़ा हुआ लग रहा है। वार कर रहा है तू।
हिम्मत रखो, रस्ते काट। ये सब मत देखो, तुम अंदर जाओ। कमीने, तू बच नहीं सकता, तुझे फांसी चढ़ाऊंगा। करज का बहुत जल्दी ये देश छोड़ के जाऊंगा। कुड़ा सा बाप पर माला शोध नहीं सकना। सो टेक अ ब्रेक, जल्दी तुम दोनों को ऊपर पहुंचाऊंगा। What are you up to? कोई गेम खेल रहा है क्या मेरे साथ? तुम उस तरफ थे तो इस तरफ कैसे पहुंचे? चल छोड़ना, काय फर्क पड़ता है, वैसे भी तू मरना ही वाला है। यहाँ कोई मरेगा तो वो है तू। असो गए, चल वो नहीं तुझे बस न कर दो। सचल राणा सिंह, यही नाम है ना पासपोर्ट में? वो जाली पासपोर्ट विक्टर ने बनाया ना, सचल राणा सिंह यानी श्रीलंकन। लेकिन तुम वहां के नहीं हो, तुम श्रीलंका नहीं जा रहे, कुछ समझे या नहीं? क्या, तुम्हें कैसे पता? मैंने श्रीलंकन एम्बेसी से बात की। सिसिल राणा सिंह एक श्रीलंकन कंटेनर शिप में डेक ऑफिसर था। 3 महीने पहले जाफना में एक एक्सीडेंट में मारा गया। किसी ने तुम्हें उसके पासपोर्ट के डिटेल्स दिए, कोई ऐसा शख्स जो सिसिल के साथ उसी शिप में काम करता था। वो मिला तुम्हें? क्या मिला मुझे? मतलब मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अबे बात को घुमा मत। श्रीलंकन एम्बेसडर की मदद से मैंने शिप के कैप्टन से बात की। तुम्हारी हेल्प करने वाले सारे लोगों को कानून का डर दिखाया। हर कैप्टन की पतलून गीली हो गई और उसने सब सच बता दिया। आज शाम 7:30 बजे श्रीलंकन पोर्ट पॉइंट पेड्रो से कंटेनर शिप सेल ऑफ होने वाली है। तुम वो शिप पकड़ोगे इंडियन टेरिटरी से 120 नॉटिकल माइल दूर। कल सुबह उस शिप तक पहुंचोगे। एक इंसान में 9 होल्स होते हैं, अगर गौर से देखोगे तो 10वां भी मिलेगा। अरे कौन था 10वां होल मुझे उलझाने की कोशिश करा? ठीक 6 दिन बाद वो शिप मलेशियन पोर्ट क्लैंग पहुंचेगी। वहां तुम्हें ऑनररी वीजा मिल जाएगा, फिर तुम वहां से सीधा फुकेट जाओगे। 6th होल। बहुत ओवर स्मार्ट बंदा है तू, एकदम सही बोला। चल अतमाजा बदल बोल। 21 सितंबर 2010 दिल्ली, पैसों के लिए तुमने 2 फ्रेंच टूरिस्ट को मारा। 2008 काठमांडू में 3 लोगों को मारा। ये राज तुझे कैसे पता चला? तुम्हारे बेल्ट के बगल से पता चला। हा? अच्छा बगल। ए बकवास बंद कर, जस्ट टेल मी ये सब तुझे कैसे पता चला? पिछले 20 साल का हर एक अनसॉल्व मर्डर केस मेरे दिमाग में अच्छी तरह छपा हुआ है। मेरी हाउसकीपर मलिक, नहीं मेरा ख्याल रखने वाली मलिका को तुमने बेरहमी से मारा। उसके खून में तुम्हारे जूते का प्रिंट मिला।
साइज 12 वही एक सबूत था जो तुम क्राइम साइट पर छोड़ गए थे। शैतानी साइज, साइज 12। तुम्हारी हाइट करीब 6'2". लव मेकिंग। लव क्या? प्यार रास्ता ढूंढ लेता है, प्यार के लिए दो लोग चाहिए। चल रे मजा वेड़ वाय घालू नको, कम टू द पॉइंट। 2004 में आंदामान के एक आइलैंड पे एक जर्मन कपल को जमीन में गाड़ दिया गया और उनके गाइड को भी बेरहमी से मार दिया गया। आंदामान पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, जिसे मैंने रीओपन करवाया। आंदामान कोस्ट गार्ड में काम करने वाले मेरे अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट किया और उस ट्रैवल कंपनी से कॉन्टैक्ट किया जिसमें गाइड जॉब करता था। वहां मुझे बर्थ सर्टिफिकेट पे गाइड का एड्रेस मिला, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। तुम फुकेट भी नहीं जा रहे, तुम फुकेट से 543 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में तुम निकोबार आइलैंड के खलासी नाम के छोटे से गांव में जा रहे हो, और उस गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती है जो नहीं जानती कि उसका बेटा एक वैश्य खूनी बन गया है। पैसा कमा के लौटने वाला था, आज तक वो अपने बेटे की राह देख रही है। होलचा, जॉन रिचर्डसन होलचा। ए होलचा, यू आर फिनिश्ड। यू आर राइट, तू जिंकलस, पर मैं भी हार नहीं मानने वाला। मेरे मासूम डॉगी को तुमने क्यों मारा? न जाने कितने लोगों को मारा, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी डॉगी को मारा तो पकड़ा गया। लाइफ में कभी भी किसी को नहीं बोला, पर आज बोल तो। आई एम सॉरी। Detective Uncle.